ये देखने सारे के सारे कितने कितने ज्यादा एक्टिव है, उनको पेंट पे अगर मैंने बिठाया तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है, एक को छोड़ना सारे के सारे नीचे, तो मिटा था वो कुछ इसी तरह का दिखता था यार। ये तो ज्यादा स्पेशल ही है, ये तो हिल भी नहीं रहा। ये बड़े हो गए साइज देख रहे भाई डालते हैं। Yo, what's up everybody, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज अभी मैं निकलने लगा तो मैंने सोचा कि व्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर लेते हैं। सो आज के व्लॉग में जो है मैं आपको लाने वाला हूँ सुल्तान से, तो मिलवाऊंगा ही साथ ही साथ उसके जो पपीज़ हैं उनसे मिलवाने वाला हूँ। लास्ट टाइम आपने व्लॉग देखा होगा, आई बटन में वो व्लॉग आ रहा है, उस टाइम पपीज़ बहुत ज़्यादा छोटे थे और मैंने कहा था सुल्तान को लेके जाऊंगा रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो आज हम चले हैं स्पेशली सुल्तान को लेके रिएक्शन रिकॉर्ड करने। सो ज़्यादा समय लेते चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल जो है अभी हम सुल्तान के साथ जो है जा रहे हैं जहाँ पर सुल्तान के पपीज़ हुए हैं, वो बिल्कुल पड़ोस में ही है हमारे ही लोन है, लास्ट टाइम आपने वीडियो में भी देखा होगा, और उस टाइम जो थे ये सुल्तान के बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे और अब ऑलमोस्ट 1 month+ हो गए हैं वो। सो आई थॉट कि अब एक प्रॉपर टाइम है सुल्तान को उसके बच्चों से मिलवाने का। सो अभी फ़िलहाल ना बहुत ज़्यादा शेडिंग हो रही है हमारे सुल्तान की, तो उसके बहुत ज़्यादा आप कपड़ों पर और मेरी कैप पर भी बाल देख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं और देखो सुल्तान, ओए सुल्ती भैया के घर पे और आपको रिएक्शन दिखाते हैं सुल्तान। सो सुल्तान को अंदर लेके चलते हैं। कितने कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं सभी के सभी। हाँ जी सुल्तान, ओके बेटा, तो उसके पीछे लगा हुआ है। ओके, तो हम भी बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 21 दिन हो गए होंगे, है ना, 20-25 दिन हो चुके हैं लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो पपीज से, और देखो कितने बड़े हो गए, साइज देख रहे हो भाई 8 दिन का। वाह, हाँ जी है बहुत प्यारे। अभी मैं एक एक करके सभी से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, वो देखना शरारती हो गए। तो अभी फिलहाल जो है आप सभी इनके कुछ बीरोज देखिए मजेदार से। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जो पपीज़ है वो अपनी माँ के साथ है, क्यूट, सारे के सारे जो है दूध पी रहे हैं। इधर आओ, चलाने चलाने, कैमरा दो, ये देखो इसको, ये देखो, ओए हाँ जी, ये देखो कितने, ये कहाँ पे घुसे हैं बच्चे ने इसके टेबल के नीचे ना। हाँ जी, आप इससे तो लास्ट टाइम मिल चुके हैं, देखो मेरा पैर काट रहा है, ओए ये आराम से जो है दूध पी रहे हैं, ओए। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है इन इसके अंदर जो है 3 फीमेल और 1 मेल है, और अभी मैं फ़िलहाल जो है आप पर थोड़े से हम इनके साथ और जो है मज़ेदार जो है मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, और अभी फ़िलहाल जो है सुल्तान को साथ बिठाते हैं और देखते हैं सुल्तान की क्या अट्रैक्शन होती है। हाँ जी, लेट्स सी सुल्तान, सुल्तान इधर आओ, सुल्तान आ जाओ, वो देखो सुल्तान बैठ पे, ओए सुल्तान, हाँ जी, ये किसका बेबी है। अभी फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा सुल्तान, हाँ जी सुल्तान पहले देखो तो उससे मिल तो लो, हाँ कौन है ये, आपका बीवी है, अच्छा ले ले आज इधर आओ सुल्ती, हाँ इसको सबसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना, इनसे मिल ले यार, ऐसे करेगा, ओके मिल लेगा, फिर पूरी फैमिली पिक्चर हो गई सुल्तान के लिए। हाँ जी ये मेल है, देख लिया मैंने, सोचता है तो देखो, देखिए भाई सो यार ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा सुस्त है, और भैया बता दे बाकी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये देखो ये सुस्त सुराम है, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ ये वैसे कि वैसे ये, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। हाँ जी क्या हो, सुस्त हो आप, सुस्त हो आप,
जी सुस्त हो आप? सुस्त आए संकेत भाई तो वैसे भी क्या कहते हैं इसको, दादा बन गए है ना, दादा बन गए। तो भाई क्या बोलना चाहोगे? भाई नहीं, सुल्तान जैसे ही है, है ना? सुल्तान भी जब छोटा था वो कुछ इसी तरह का ही दिखता था यार। और ये तो ज्यादा स्पेशल ही है, ये तो हिल भी नहीं रहा। ये देखो सबसे पहले तो यार टी शर्ट की हालत देखो, बाल ही बाल हो गए बेड पे भी। और ये हाँ जी से मिलते लो आप सुल्तान, मिलते लो सुल्तान को बेड पे बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे 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 सुल्तान को बेड पे बैठना बहुत ज्यादा पसंद है। अरे 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 तो ये जो मदर है अभी क्या था, मतलब रो रहा था तो ये भागती हुई आई, ठीक है, ये पप्पी के पास। और उसको अब देखो उसके साथ साथ चल रही है, उसको देख रही है कि ठीक है कि नहीं है सुल्तान। ये देखो ओए ये दोनों के दोनों, इनमें से सबसे शरारती शरारती फीमेल है भैया, तीनों की तीनों देख ले भाई, देख ले। ओए 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 सबसे शरारती सेकंड और थर्ड फीमेल है, बहुत ज्यादा हावी लगती है। अच्छा बहुत ज्यादा हावी लगती है सुल्तान। वैसे सारी फीमेल्स शरारती। चलो इन सारों को एक साथ बिठाते हैं ऊपर ना, आ जाओ आ जाओ, एक उसको उठा लो भाई, उसको भी उठा लो भाई, उसको भी उठा लो भाई। ओहो एक और आ जाएगा, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, आ गया। सो अभी मैं चारों को ऊपर बिठाता हूँ, ये देख रहे हैं सारे के सारे कितने कितने ज्यादा एक्टिव हैं। इनको बेड पे अगर मैंने बिठाया तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है, देखो एक को छोड़ना सारे के सारे नीचे। तो अभी मैं सभी को नीचे उतारता हूँ, लो भाई हेल्प करो यार, तो इनके साथ यार मस्ती चल रही है, बहुत ज्यादा मस्ती को सारे के सारे को पीजिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आप आ जाओ। सुल्तान आप सबसे मिले नहीं यार, क्या बात। ये सुल्तान थोड़ा शाय है आपको पता ही है, बाहर एकदम नहीं ओपन होता। हाँ ही वो बेड पे चल रहा है। मैं आपको जब मेल है ना, मैं आपको मेल दिखाता हूँ। ये जैसे हमारा सुल्तान छोटा होता था ना, तो वैसे ही बिल्कुल इसकी देखो ना, आईज से लेकर, आईज भी इसकी ऑड है, और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर इसके हेयर टूथ परफेक्ट। देखो बिल्कुल वैसे ही है ना, जो शांत सा सुल्तान है ना, बिल्कुल वैसे ही शांत है ये। हाँ हाँ जी सुल्तान है आपका नाम? आपका नाम छोटू सुल्तान है? छोटू सुल्तान होगा, छोटू सुल्तान। यार देखो यार एनिमल जो प्यार होता है ना, वो एनिमल का प्यार ही होता है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि ब्रीड मैटर नहीं करती, यार एनिमल कौन सा वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप कोई भी एनिमल है, चाहे वो गोट है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे फिर कोई भी एनिमल है, लिविंग थिंग है, उसको आप प्यार से रखोगे ना, तो वही ज़रूरी है। यू नो नेचर में नेचर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर हम जितने जानवर हैं उनकी हेल्प कर सके किसी भी तरीके से या किसी भी यू नो वे से, तो हमारे लिए बेस्ट होगा। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा आप डॉग्स को प्यार करेंगे, स्ट्रीट डॉग्स हो जाए, ब्रीड वाले डॉग्स हो जाए, कोई भी बर्ड है, कोई भी एनिमल है, तो अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसको बड़े प्यार से रखिएगा, ध्यान से रखिएगा। ओए देखो उनके पास ना खुद के टॉयज भी हैं, ये इनसे खेलते रहते हैं। हाँ इससे खेलते रहते हो? हाँ हाँ, उसके पीछे लग गए। हाँ ये जो फीमेल्स है ना, ये देखो ये वाली तेज है, देखो इसने शुरू भी कर दिए। हाँ जी हाँ जी, तो ये है इसकी मदर। हाँ लास्ट टाइम भी दिखाया था ना आपको। हाँ ये देखो, अरे आ जाओ, चलो 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 चलो, हाँ जी 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 चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। ये देखो भैया वीडियो दिखा रहे हैं इनकी पपीज की ना, कॉल कर रहे हैं। अरे ओ भाई देखना भैया, माहौल तो घर में बड़ा बना रहा होगा ना, कि पूरे दिन इन्हीं के उसमें लगे रहते होंगे आप सारा दिन। तो अभी फिलहाल भैया आप इनको बच्चों को डाइट में क्या दे रहे हैं? ये मॉर्निंग में अंडे खाते हैं और पेडिग्री ग्रेवी जो पपी। अच्छा ठीक है, उनको क्रश करके। हाँ क्रश करके, और उसके बाद ये अपनी फीड खाते हैं। अच्छा डॉग फूड पे आपने शुरू कर दिया? शुरू कर दिए, साथ में ये सेरेलेक भी चल रहा है इनका। बहुत बढ़िया, और मदर मिल्क इनकी मर्जी है, जैसे अभी आपने देखा कि आते ही मदर मिल्क पेट में। हाँ हाँ हाँ, जितने भी बहुत ज्यादा भूखड़ है, एक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और मेल थोड़ा सा
जो भी पपीज होते हैं तो उनका ऑलमोस्ट 3 महीने तक का जो डाइट प्लान है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है. उनको टाइम टू टाइम फूड देना, स्पेशली उनको उस टाइम एक्टिविटीज भी उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि 3 महीने जो है ना एक ऐसी इनिशियल स्टेज होती है जिसपे जो है बहुत अच्छी ग्रोथ अगर आपका पपी कर रहा है तो इन फ्यूचर भी वो बहुत अच्छी ग्रोथ से ही चलेगा. बाकी सारी चीज़ें आपकी डाइट पे, आपके प्यार पे और आपके रखने पे डिपेंड करते हैं कि कैसे आप जो है पपी को रख रहे हैं, किस कंडीशन में रख रहे हैं और किस तरीके से रख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो अभी फ़िलहाल तो ये 28 दिन के हो गए हैं, इसके बाद जो है होपफुली थोड़े टाइम के बाद इनकी जो है कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा, जैसे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे कुछ ना कुछ अपडेट इनके बारे में हम लाते रहेंगे. अपना पैर खुद खा रहा है. तो इनमें से भैया ब्लू आईज आया कोई, सारे ही ऑड आईज है? सारी ब्लू आईज है. आप ये देखो मेल ऑड आईज है, मेल ऑड आईज लग रहा है. ये प्योर ब्लू आईज है. हाँ, ये सेकंड फीमेल है. अच्छा, प्योर ब्लू आई है और थर्ड फीमेल भी, और जबकि दोनों के ऑड आईज है ना, फीमेल की भी. हाँ, ये फोर्थ फीमेल है, ये ऑड आईज है. जेनेटिकली बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, इससे आपको समझ सकते हो. ये मेल है? हाँ, वो मेल है. मेल के मेरे को ऑड आईज ही लग रहे हैं. ये भी ऑड आईज लग रही है और ये थर्ड फीमेल है, इसकी भी प्योर ब्लू है. अच्छा. हाँ, ओए ये तो मजेदार है लड़का. ओए ओए. सो यार विद दैट करते हैं हम आज के ब्लॉग का एंड. मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस ब्लॉग का एंड करने का, और आई थिंक देखने वाले आपको भी मन नहीं कर रहा हो कि मैं जल्दी से इस ब्लॉग का एंड करूँ, बट हाँ वो करना तो है ही है ब्लॉग का एंड. मेरे को खुद मज़ा आ रहा है इनकी मस्तियाँ देख के ना. हाँ जी, चलो सभी टैग करते हैं आज के ब्लॉग का एंड. आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर दैट लाइक बटन और इसको लोगों को तक पहुंचाना, ठीक है? मजा आएगा भाई. ये ब्राउन आईज है. ब्राउन आईज है, चलो ठीक है यार. ये भी जेनेटिक्स ब्रो, जेनेटिक्स देख लो, दोनों पेरेंट्स के नहीं है. बट ये ना मैं आपको कई बार बताता हूँ कि कलर और कई चीज़ें ना जेनेटिकली मैटर करती हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में. सुल्तान नेक्स्ट ब्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग में. नेक्स्ट व्लॉग में.